बोलो जी, ये क्या कर रहे हो कियान? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे? ये क्या नाड़ा लटक रहे? देखो कितना बड़ा नाड़। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह के बजे थे 10:30। तो क्या उठ गया था, जल्दी उठ जाता है, मैं इसको जल्दी उठा देती हूँ ताकि ये दोबारा सो जाए। जब मुझे काम करना है तब ये थोड़ा सो जाए, तो इसलिए जल्दी उठा देती हूँ। आज इसके ना नेल्स काटने थे, 2-3 दिन से थोड़े बड़े हुए थे पर मुझे टाइम नहीं लग रहा था, तो आज सोचा मैं काट देती हूँ। तो नेल ही काट रही थी यहाँ पे, तो आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ये बड़े आराम से नेल कटवा रहा था, वरना तो बहुत परेशान करता है। ऐसे 2-3 बार में मुझे इसके नेल काटने पड़ते हैं, एक हाथ के एक बार काटने पड़ते हैं, दूसरे हाथ के दूसरी बार काटने पड़ते हैं। पैरों के बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते, इसके अंगूठे के ही बढ़ते हैं, हाथों के बहुत जल्दी जल्दी नेल्स इसके बढ़ जाते हैं। तो मुझे हर हफ्ते में काट ही देती हूँ मैं, क्योंकि बच्चों के नेल्स काटने भी चाहिए, मुंह में हाथ डालते हैं, गंदगी भर जाती है, प्लस बच्चा खेलता है तो इधर उधर हाथ मारता है तो वो फटने के डर रहता है, क्योंकि कच्चे नखून होते हैं तो जल्दी से वो फट जाते हैं, फिर कच्चे नखून फटते हैं तो दर्द होता है। इसलिए मैं हर हफ्ते इसके नेल्स काट ही देती हूँ थोड़े थोड़े। तो यहाँ पे पड़ गया था 1-2 नेल, तो उठा के, ये इसको ना छोटी छोटी चीज़ें बड़ी जल्दी दिख जाती हैं, मुँह में डाल लेते हैं, इसलिए मैंने उठा दिए थे। और ये इसका नेल कटर था मिमी का, सॉरी। तो वो मैंने फर्स्ट क्राई से ऑर्डर किया था, तो यहाँ पे देख रहे हो कैसे कर रहा है ये। आजकल ना ये फ्लाइंग किस करना सीख गया है, जब भी हम फ्लाइंग किस करते हैं ना साथ में ये भी करता है। तो यहाँ पे ये लाइट पकड़ने आ रहा था, और आजकल ना जैसे इसके पापा सुबह सुबह पूजा करते हैं तो ये भी देखता है, तो ये भी जय जय करता है। मंदिर जैसे ही दूसरे कमरे में हमारे मंदिर लगा हुआ है, उस कमरे में जाएगा तो ये जय जय करने शुरू कर देगा अपने आप ही। तो यहाँ पे मैं इसको पानी पिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बिल्कुल भी पानी नहीं पीता ये, बिल्कुल भी नहीं पीता। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको, कुछ भी नहीं खाता पीता ढंग से। मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना मैं क्या करूँ, कैसे इसको खाना पीना खिलाना सिखाऊँ। तो पानी मेरे को इसको ज़बरदस्ती से कटोरी चम्मच से पिलाना पड़ता है, वरना जैसे पहले पी लेता था, ये खाना भी आराम से खा लेता था, दूध पी लेता था, लेकिन आजकल बड़ा तंग करने लग गया है। शायद पहले छोटा था आराम से पी लेता था, अब थोड़ा बड़ा हो गया है तो ज़्यादा परेशान करने लग गया है। फिर मैंने अपना ये ब्लू कलर का एक सूट स्टिच किया था, कॉटन में था, सिंपल सा ही घर में पहनने वाला प्रिंटेड सूट है, तो मैंने सोचा चल स्टिच कर लेती हूँ। स्टिच किया हुआ था तो इसकी तुरपाई रहती थी, तो मैं तुरपाई करने लगी, मैंने सोचा थोड़ी सी है कर लेती हूँ, बट ज़्यादा मुझे करने नहीं दी कियान ने, थोड़ी सी देर तो की मैंने, उसके बाद कियान परेशान करने लग गया, फिर मैंने उठा के रख दी। क्योंकि जब ये पास में आता है तुरपाई करती हूँ, हाथ में सुई होती है, कई बार धोखे से लगने का डर रहता है, तो इसलिए फिर मैंने जब ये ज़्यादा परेशान करने लग गया तो रख दिया था। रख के फिर मैं बाकी काम करने लग गई थी, तो थोड़ी देर बाद मेड आ गई थी 12 बजे सी, थोड़ी देर बाद तो नहीं, लेट आती है वो, काफ़ी लेट आती है। तो मेड आ गई थी, वो काम करने लगी थी झाड़ू पोछा। और ये देखो क्या ना यहाँ पे, पता नहीं आजकल क्या इसको अच्छा लगता है, जैसे हमारा ये वाला बेड है ना थोड़ा नीवा है, तो इस पर लेट जाता है, और इसके बेड के ना चारों साइड ना एक बॉर्डर पट्टी है, उस पर पैर रख लेता है, तो ऐसे लेटा रहता है। पहले तो हमें डर रहता था कि यह कहीं गिर ना जाए, पर आजकल ये इसी पे ऐसे लेटा रहता है, पैर मारता रहता है तो खेलता रहता है, पर जैसे नीवा है ये गिरने का इतना डर नहीं रहता, पर फिर भी बच्चे के ध्यान तो देना पड़ता है। तो देखो कैसे लेटा हुआ है, घूमता रहता है इधर उधर, तो इसके सहारे पूरा दिन कब निकल जाता पता ही नहीं लगता, पूरा दिन सो जाता है ना, सोते सोते भी यही रहता है कि ये काम नहीं करना, शोर होएगा तो उठ जाएगा। पहले था कि हल्का सा दरवाज़ा भी खोलते थे ना, अभी भी ऐसा ही है, चाहे टीवी चल रहा हो तब सुला दूँ और सो जाएगा, लेकिन जब काम करना हो और मैं सोचूँ आराम से सो जाए तब नहीं सोएगा, तब हल्की सी आवाज़ में उठ जाएगा, इवन दरवाज़ा खोलूँगी ना उसकी आवाज़ से ही उठ के बैठ जाएगा। तो यहाँ पे इसके कार्टून चल रहे थे, आजकल ये टॉकिंग टॉम देखता है, इसका फेवरेट कार्टून है, उसमें ना कभी कभी बीच बीच में म्यूजिक आ जाता है, सॉन्ग्स आ जाते हैं, तो जैसे ही जहाँ पे भी म्यूजिक सॉन्ग्स आते हैं ये डांस करना शुरू कर देता है। ये देखो बीच बीच में जैसे ही आ रहे हैं ना हाथ मारना शुरू कर देता है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे शाम हो गई थी, शाम को ये भैया हैं, तो
यहाँ पे जैसे पौधों वौधे के लिए बड़ी अच्छे से ध्यान रखते हैं, आ जाते हैं घर पे, तो इनको बुलाते हैं। जैसे ही पौधे वौधे होते हैं, बड़े हो गए हैं, उनकी खुद से केयर इतनी अच्छे से हो नहीं पाती, तो यहाँ पे ना मैंने दो बड़े गमले मंगाए थे इनके, जो ये आप देख रहे हो, एक पाम का पौधा और दूसरा ये जो क्रिसमस ट्री है, क्रिसमस ट्री ट्री बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं, तो वो वाला पौधा है, वो काफ़ी बड़ा हो गया था, तो छोटे गमले में ना वो छोटा पड़ रहा था, तो मैंने बड़े गमले मंगाए थे, तो वो लकड़ी के थे, बड़े अच्छे गमले थे जिस टाइम लेके आए थे, बट जैसे बीच में बारिश हुई तो वो ख़राब हो गए थे, तो उनके क्या हुआ कि भैया ने ना लकड़ी उतार दी और इसको अच्छे से साफ़ करके, अंदर से ना लोहे की पत्तियाँ थी, मतलब अंदर से लोहे का था ये गमला, बाहर से वुड का था, अंदर से लोहे का, तो उसकी वो लोहे तो जो लोहे वाला गमला था उस पे ना भैया ने अच्छे से रब करके, उस पे कपड़ा मार के उस पे पेंट कर दिया था ताकि वो अच्छा दिखे। तो यहाँ पे छोटा सा पौधा था, इसके ना पत्तियाँ सूख गई थी, और यहाँ पे मैंने दो तीन और पौधे लगवाए थे। यहाँ पे देख रहे हो, ये जो है ये स्नेक प्लांट है, ये मैंने बहुत पहले से खुद ही लगाया था, और ये भी बहुत पुराने हो गए हैं, मैं सोच रही हूँ चेंज करा दूँ, पर इसकी है ना ये बहुत अच्छी लगती हैं, नीचे निकलती हैं इसकी लेयर सी। ये तुलसी का पौधा था, ये अंदर को रखा हुआ था, थोड़ा सूख गया था तो बाहर निकाला, अभी ये भी अच्छा हो गया है। तो जब भी माली भैया आते हैं ना, सारे पौधों का बड़े अच्छे से करते हैं, देखना यहाँ पे साफ़ कर रहे हैं, साइड में जो तेल रखा है इसको लगा के इन्होंने साफ़ किया था, उससे इसका सारा जंग उतर गया था। तो भैया अच्छे से देख रेख करते हैं, घर में पौधे लगाने चाहिए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले व्लॉग में।